शांति। 13 अगस्त 2020 के बाबा के साकार महावाक्य। आज की मुरली के 7 मुख्य पॉइंट्स। पहला पॉइंट, बाबा कहते हैं पढ़ाने वाला कौन है? भगवान, वे आकर पढ़ाते हैं। विवेक कहता है भल कोई कितनी भी बड़े ते बड़ी पढ़ाई पढ़ता हो, फट से वह पढ़ाई छोड़कर आए भगवान से पढ़े। एक सेकंड में सब कुछ छोड़ बाप के पास पढ़ने आए। दूसरा पॉइंट, बाबा ने समझाया है अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युगी बने हो, उत्तम ते उत्तम पुरुष हैं ये लक्ष्मी नारायण। दुनिया में किसी को भी पता नहीं है कि किस एजुकेशन से इन्होंने ये पद पाया है। तुम पढ़ते हो ये पद पाने लिए। कौन पढ़ाते हैं? भगवान। तो और सब पढ़ाइयाँ छोड़ इस पढ़ाई में लग जाना चाहिए, क्योंकि बाप आते ही हैं कल्प के बाद। तीसरा पॉइंट, मीठे बाबा कहते छोटे बच्चे को माँ बाप के सिवाय दूसरा कोई उठाते हैं तो उनके पास जाते नहीं। तुम भी बेहद के बाप के बने हो तो और कोई को देखना पसंद भी नहीं आएगा, फिर कोई भी हो। चौथा पॉइंट, बाबा कहते योग को भी बाप की याद कही जाती है, जिसको अंग्रेजी में कम्युनियन कहा जाता है। बाप से कम्युनियन, टीचर से कम्युनियन, गुरु से कम्युनियन, ये है गॉड फादर से कम्युनियन। खुद बाप कहते हैं मुझे याद करो, और कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। पांचवा पॉइंट, बाबा तो कहते हैं जोड़ी हो तो बहुत अच्छा समझा सकते हैं। भारत में पहले पवित्रता थी, फिर अपवित्र कैसे होते हैं यह भी बता सकते हैं। पूज्य ही पुजारी बन जाते हैं, इम्प्योर बनने से फिर अपनी ही पूजा करने लगते हैं। छठा पॉइंट, बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। बाप को तुम भूल जाते हो, लज्जा नहीं आती, वह नशा नहीं चढ़ता है। यहाँ से बहुत अच्छा रिफ्रेश हो जाते हैं, फिर वहाँ सोडा वाटर हो जाते हैं। सातवां पॉइंट, मीठे बाबा समझाते हैं जो अभिमान को शान समझ लेते वे निर्माण नहीं रह सकते। ओम शांति। अब मुरली सविस्तार। मीठे बच्चे तुम्हें कौन पढ़ाने आया है? विचार करो तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे। ऊंचे ते ऊंचा बाप पढ़ाते हैं, ऐसी पढ़ाई कभी छोड़नी नहीं है। प्रश्न, अभी तुम बच्चों को कौन सा निश्चय हुआ है? निश्चय बुद्धि की निशानी क्या होगी? उत्तर, तुम्हें निश्चय हुआ हम अभी ऐसी पढ़ाई पढ़ रहे हैं जिससे डबल सिरताज, राजों का राजा बनेंगे। स्वयं भगवान पढ़ाकर हमें विश्व का मालिक बना रहे हैं। अभी हम उनके बच्चे बने हैं तो फिर इस पढ़ाई में लग जाना है, जैसे छोटे बच्चे अपने माँ बाप के सिवाय किसी के पास भी नहीं जाते। ऐसा बेहद का बाप मिला है तो और कोई भी पसंद ना आए, एक की ही याद रहे। आज का गीत है कौन आया आज सवेरे सवेरे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना, कौन आया है और कौन पढ़ाता है ये समझ की बात है। कोई बहुत अक्लमंद होते हैं, कोई कम अक्लमंद होते हैं। जो बहुत पढ़ा लिखा होता है उसे बहुत अक्लमंद कहेंगे। शास्त्र आदि जो भी पढ़े लिखे होते हैं उनका मान होता है, कम पढ़े हुए को कम मान मिलता है। अब गीत का अक्षर सुना, कौन आया पढ़ाने। टीचर आते हैं ना, स्कूल में पढ़ने वाले जानते हैं टीचर आया। यहाँ कौन आया है? एकदम रोमांच खड़े हो जाने चाहिए।
ऊंचते ऊंच बाप फिर से पढ़ाने आए हैं। समझने की बात है ना, तकदीर की भी बात है। पढ़ाने वाला कौन है? भगवान। वे आकर पढ़ाते हैं। विवेक कहता है, भल कोई कितनी भी बड़े ते बड़ी पढ़ाई पढ़ता हो, फट से वह पढ़ाई छोड़कर आए भगवान से पढ़े। एक सेकंड में सब कुछ छोड़ बाप के पास पढ़ने आए। बाबा ने समझाया है, अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युगी बने हो, उत्तम ते उत्तम पुरुष है ये लक्ष्मी नारायण। दुनिया में किसको भी पता नहीं है कि किस एजुकेशन से इन्होंने यह पद पाया है। तुम पढ़ते हो ये पद पाने लिए। कौन पढ़ाते हैं? भगवान। तो और सब पढ़ाइयाँ छोड़ इस पढ़ाई में लग जाना चाहिए, क्योंकि बाप आते ही हैं कल्प के बाद। बाप कहते हैं, मैं हर 5,000 वर्ष के बाद आता हूँ सम्मुख पढ़ाने। वंडर है ना। कहते भी हैं, भगवान हमको पढ़ाते हैं ये पद प्राप्त कराने, फिर भी पढ़ते नहीं तो बाप कहेंगे ना ये सयाना नहीं है। बाप की पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं देते हैं, बाप को भूल जाते हैं। तुम कहते हो कि बाबा हम भूल जाते हैं, टीचर को भी भूल जाते हैं, ये हैं माया के तूफान, परंतु पढ़ाई तो पढ़नी चाहिए ना। विवेक कहता है, भगवान पढ़ाते हैं तो उस पढ़ाई में एकदम लग जाना चाहिए। छोटे बच्चों को ही पढ़ना होता है, आत्मा तो सबकी है, बाकी शरीर छोटा बड़ा होता है। आत्मा कहती है, मैं आपका छोटा बच्चा बना हूँ। अच्छा, मेरे बने हो तो अब पढ़ो, दूध पाक तो नहीं हो। पढ़ाई फर्स्ट, इसमें बहुत अटेंशन देना है। स्टूडेंट फिर आते हैं यहाँ सुप्रीम टीचर के पास। वे पढ़ाने वाले टीचर्स भी मुकर्रर हैं, तो भी सुप्रीम टीचर तो है ना। 7 रोज़ भट्टी भी गाई हुई है। बाप कहते हैं, पवित्र रहो और मुझे याद करो, दैवी गुण धारण किए तो तुम ये बन जाएंगे। बेहद के बाप को याद करना पड़े। छोटे बच्चे को माँ बाप के सिवाय दूसरा कोई उठाते हैं तो उनके पास जाते नहीं। तुम भी बेहद के बाप के बने हो तो और कोई को देखना पसंद भी नहीं आएगा, फिर कोई भी हो। तुम जानते हो हम ऊंचते ऊंच बाप के हैं। वे हमको डबल सिरताज राजों का राजा बनाते हैं। लाइट का ताज मन मना भव और रत्न जड़ित ताज मध्यजी भव। निश्चय हो जाता है हम इस पढ़ाई से विश्व का मालिक बनते हैं। 5,000 वर्ष बाद हिस्ट्री रिपीट होती है ना, तुमको राजाई मिलती है, बाकी सब आत्माएं शांति धाम अपने घर चली जाती हैं। अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ा है, असल में हम आत्माएं बाप के साथ अपने घर में रहती हैं। बाप का बनने से अभी तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो, फिर बाप को भूल ऑर्फन बन पड़ते हो। भारत इस समय ऑर्फन है। ऑर्फन उनको कहा जाता है जिनको माँ बाप नहीं होते, धक्का खाते रहते हैं। तुमको तो अब बाप मिला है, तुम सारी सृष्टि चक्र को जानते हो, तो खुशी में गदगद होना चाहिए। हम बेहद के बाप के बच्चे हैं। परमपिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि ब्राह्मणों की रचते हैं। ये तो बहुत सहज समझने की बात है। तुम्हारे चित्र भी हैं, विराट रूप का चित्र भी बनाया है, 84 जन्मों की कहानी दिखाई है। हम सो देवता फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं, ये कोई भी मनुष्य नहीं जानते, क्योंकि ब्राह्मण और ब्राह्मणों को पढ़ाने वाले बाप का दोनों का नाम निशान गुम कर दिया है। इंग्लिश में भी तुम लोग अच्छी रीति समझा सकते हो। जो इंग्लिश जानते हैं तो ट्रांसलेशन कर फिर समझाना चाहिए। फादर नॉलेजफुल है,
उनको ही ये नॉलेज है कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। ये है पढ़ाई। योग को भी बाप की याद कही जाती है, जिसको अंग्रेजी में कम्युनियन कहा जाता है। बाप से कम्युनियन, टीचर से कम्युनियन, गुरु से कम्युनियन, ये है गॉड फादर से कम्युनियन। खुद बाप कहते हैं मुझे याद करो, और कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। मनुष्य गुरु आदि करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, एम ऑब्जेक्ट तो कुछ भी नहीं, सदगति तो होती नहीं। बाप तो कहते हैं हम आए हैं सबको वापस ले जाने। अभी तुमको बाप के साथ बुद्धि का योग रखना है तो तुम वहाँ जाए पहुँचेंगे। अच्छी रीति याद करने से विश्व के मालिक बनेंगे। ये लक्ष्मी नारायण पैराडाइज के मालिक थे ना, ये कौन समझाने वाला है। बाप को कहा जाता है नॉलेजफुल, मनुष्य फिर कह देते अंतर्यामी। वास्तव में अंतर्यामी का अक्षर है नहीं, अंदर रहने वाली निवास करने वाली तो आत्मा है। आत्मा जो काम करती है वह तो सब जानते हैं, सब मनुष्य अंतर्यामी हैं। आत्मा ही सीखती है। बाप तुम बच्चों को आत्माभिमानी बनाते हैं। तुम आत्मा हो मूल वतन की रहने वाली। तुम आत्मा कितनी छोटी हो, अनेक बार तुम आई हो पाठ बजाने। बाप कहते हैं मैं बिंदी हूँ, मेरी पूजा तो कर नहीं सकते। क्यों करेंगे, दरकार ही नहीं। मैं तुम आत्माओं को पढ़ाने आता हूँ, तुमको ही राजाई देता हूँ। फिर रावण राज्य में चले जाते हो तो मुझे ही भूल जाते हो। पहले पहले आत्मा आती है पाठ बजाने। मनुष्य कहते हैं 84 लाख जन्म लेते हैं, परंतु बाप कहते हैं मैक्सिमम है ही 84 जन्म। फॉरेन में जाकर ये बातें सुनाएंगे तो उनको कहेंगे ये नॉलेज तो हमको यहाँ बैठ पढ़ाओ। तुमको वहाँ 1,000 रुपया मिलते हैं, हम आपको 10-20 हज़ार रुपया देंगे। हमको भी नॉलेज सुनाओ। गॉडफादर हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। आत्मा ही जज आदि बनती है, बाकी मनुष्य तो सब हैं देह अभिमानी। कोई को भी ज्ञान नहीं है। भल बड़े बड़े फिलोसोफर आदि बहुत हैं, परंतु ये नॉलेज किसको भी नहीं है। गॉडफादर निराकार पढ़ाने आते हैं, हम उनसे पढ़ते हैं। ये बातें सुनकर चकित हो जाएंगे, ये बातें तो कभी सुनी पढ़ी नहीं। एक बाप को ही कहते हो लिबरेटर, गाइड, जबकि वही लिबरेटर है, तो फिर क्राइस्ट को क्यों याद करते हो। ये बातें अच्छी रीति समझाओ तो वे चकित हो जाएंगे, कहेंगे ये हम सुने तो सही। पैराडाइज की स्थापना हो रही है, उसके लिए ये महाभारत लड़ाई भी है। बाप कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा डबल सिरताज बनाता हूँ। प्योरिटी, पीस, प्रोस्पेरिटी सब थी। विचार करो कितने वर्ष हुए, क्राइस्ट से 3,000 वर्ष पहले इन्हों का राज्य था ना। कहेंगे ये तो स्पिरिचुअल नॉलेज है, ये तो डायरेक्ट उस सुप्रीम फादर का बच्चा है, उनसे राजयोग सीख रहा है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, ये सारी नॉलेज है। हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। इस योग की ताकत से आत्मा सतो प्रधान बन गोल्डन एज में चली जाएगी। फिर उनके लिए राज्य चाहिए, पुरानी दुनिया का विनाश भी चाहिए। सो सामने खड़ा है फिर एक धर्म का राज्य होगा। ये पाप आत्माओं की दुनिया है ना, अभी तुम पावन बन रहे हो। बोलो इस याद के बल से हम पवित्र बनते हैं और सबका विनाश हो जाएगा। नेचुरल कैलेमिटीज भी आने वाली हैं, हमारा रियलाइज किया हुआ है और दिव्य दृष्टि से देखा हुआ है। ये सब खलास होना है। बाप आए हैं DT वर्ल्ड स्थापन करने। सुनकर कहेंगे ओहो
ये तो गॉड फादर के बच्चे हैं, तुम बच्चे जानते हो ये लड़ाई लगेगी, नेचुरल कैलेमिटीज़ होंगी, क्या हाल होगा, ये बड़े बड़े मकान आदि सब गिरने लग पड़ेंगे। तुम जानते हो ये बॉम्ब्स आदि 5000 वर्ष पहले भी बनाए थे अपने ही विनाश के लिए, अभी भी बॉम्ब्स तैयार हैं। योग बल क्या चीज़ है जिससे तुम विश्व पर विजय पाते हो, और कोई थोड़े ही जानते। बोलो, साइंस तुम्हारा ही विनाश करती है। हमारा बाप के साथ योग है तो उस साइलेंस के बल से हम विश्व पर जीत पाकर सतोप्रधान बन जाते हैं। बाप ही पतित पावन है, पावन दुनिया जरूर स्थापन करके ही छोड़ेंगे। ड्रामा अनुसार नोंद है, बॉम्ब्स जो बनाए हैं तो रख देंगे क्या? ऐसे ऐसे समझाएंगे तो समझेंगे, ये तो कोई अथॉरिटी है, इनमें गॉड ने आकर प्रवेश किया है, ये भी ड्रामा में नोंद है। ऐसी ऐसी बातें बताते रहेंगे तो वे खुश होंगे। आत्मा में कैसे पाठ है, ये भी अनादि बना बनाया ड्रामा है। तुम्हारा क्राइस्ट भी पुनर्जन्म लेते लेते अभी वह तमो प्रधान अवस्था में है, फिर अपने समय पर क्राइस्ट आकर तुम्हारा धर्म स्थापन करेंगे। ऐसी अथॉरिटी से बोलेंगे तो वे समझेंगे, बाप सब बच्चों को बैठ समझाते हैं तो इस पढ़ाई में बच्चों को लग जाना चाहिए। बाप, टीचर, गुरु तीनों एक ही हैं, वे कैसे नॉलेज देते हैं ये भी तुम समझते हो। सबको पवित्र बनाकर ले जाते हैं, डीटी डायनेस्टी थी तो पवित्र थे, गॉड गॉडेस थे। बात करने का बड़ा होशियार हो, स्पीड भी अच्छी हो। बोलो, बाकी सब आत्माएं स्वीट होम में रहती हैं, बाप ही ले जाते हैं। सर्व का सदगति दाता वह बाप है, उनका बर्थ प्लेस है भारत, ये कितना बड़ा तीर्थ हो गया। तुम जानते हो सबको तमो प्रधान बनना ही है, पुनर्जन्म सबको लेना है, वापिस कोई भी जा नहीं सकते। एडम ही 84 जन्म लेते हैं तो जरूर क्राइस्ट भी पुनर्जन्म लेते लेते फिर जाकर वे बनेंगे। ऐसी ऐसी बातें समझाने से बहुत वंडर खाएंगे। बाबा तो कहते हैं जोड़ी तो बहुत अच्छा समझा सकते हैं, भारत में पहले पवित्रता थी, फिर अपवित्र कैसे होते हैं यह भी बता सकते हैं। पूजे ही पुजारी बन जाते हैं, इम्प्योर बनने से फिर अपनी ही पूजा करने लगते हैं। राजाओं के घर में भी इन देवताओं के चित्र रहते हैं, जो पवित्र डबल सिरताज थे उन्हों को बिगर ताज वाले अपवित्र पूजते हैं, वो हो गए पुजारी राजाएं। उनको तो गॉड गॉडेस नहीं कहेंगे क्योंकि इन देवताओं की पूजा करते हैं। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी पतित बन जाते हैं तो रावण राज्य शुरू हो जाता है। इस समय रावण राज्य है, ऐसे ऐसे बैठ समझाएं तो कितना मज़ा कर दिखाएं। गाड़ी के दो पहिए युगल हों तो बहुत वंडर कर दिखाएं। हम युगल ही फिर सो पूज्य बनेंगे, हम प्योरिटी पीस प्रोस्पेरिटी का वर्षा ले रहे हैं, तुम्हारे चित्र भी निकलते रहते हैं। ये है ईश्वरीय परिवार, बाप के बच्चे हैं, पोतरे और पोत्रियां हैं, बस और कोई संबंध नहीं। नई सृष्टि इनको कही जाती है, फिर देवी देवता तो थोड़े बनेंगे, फिर आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि होती है। ये नॉलेज कितनी समझने की है। ये बाबा भी धंधे में जैसे नवाब था, कोई बात की परवाह नहीं रहती थी। जब देखा ये तो बाप पढ़ाते हैं, विनाश सामने खड़ा है तो फट से छोड़ दिया। ये ज़रूर समझा हमको बादशाही मिलती है तो फिर गदाई क्या करेंगे। तो तुम भी समझते हो
भगवान पढ़ाते हैं ये तो पूरी रीति पढ़ना चाहिए ना, उनकी मत पर चलना चाहिए। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। बाप को तुम भूल जाते हो, लज्जा नहीं आती है, वह नशा नहीं चढ़ता है। यहाँ से बहुत अच्छा रिफ्रेश हो जाते हैं, फिर वहाँ सोडा वाटर हो जाते हैं। अब तुम बच्चे पुरुषार्थ करते हो गांव-गांव में सर्विस करने का। बाबा कहते हैं पहले पहले तो ये बताओ कि आत्माओं का बाप कौन है। भगवान तो निराकार ही है, वही इस पतित दुनिया को पावन बनाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, भगवान सुप्रीम टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं, इसलिए अच्छी रीति पढ़ना है, उनकी मत पर चलना है। दूसरी पॉइंट, बाप के साथ ऐसा योग रखना है जिससे साइलेंस का बल जमा हो। साइलेंस बल से विश्व पर जीत पानी है, पतित से पावन बनना है। वरदान, एक मत और एक रस अवस्था द्वारा धरनी को फलदायक बनाने वाले हिम्मतवान भव। स्पष्टीकरण, जब आप बच्चे हिम्मतवान बनकर संगठन में एक मत और एक रस अवस्था में रहते हो, एक ही कार्य में लग जाते हो, तो स्वयं भी सदा प्रफुल्लित रहते और धरनी को भी फलदायक बनाते हो। जैसे आजकल साइंस द्वारा अभी अभी बीज डाला, अभी अभी फल मिला, ऐसे ही साइलेंस के बल से सहज और तीव्र गति से प्रत्यक्षता देखेंगे। जब स्वयं निर्विघ्न एक बाप की लगन में मगन एक मत और एक रस रहेंगे, तो अन्य आत्माएं भी स्वतः सहयोगी बनेंगी और धरनी फलदायक हो जाएगी। स्लोगन, जो अभिमान को शांत समझ लेते वे निर्माण नहीं रह सकते। ओम शांति।